राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जोर पकड़ रही है। उसी बीच अब सरकार में शामिल विधायक बच्चू कड़ू राज्य की राजधानी मुंबई में न रहते हुए अमरावती दौरे पर निकल गए हैं, जिसके विषय में प्रतिक्रिया देते हुए विधायक बच्चू कड़ू बोले कि कल अमरावती में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया है, साथ ही साथ पारधी समाज का कार्यक्रम भी है जिसकी पार्श्वभूमि पर मैं अमरावती जा रहा हूँ। साथ ही साथ मंत्रिमंडल विस्तार पर प्रतिक्रिया देते हुए विधायक बच्चू कड़ू बोले कि मुंबई में रहकर मंत्री पद मिलता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, यह कोई पूजा पाठ नहीं तो मंत्रिमंडल का विस्तार है और वर्तमान में 3 इंजन की सरकार अस्तित्व में है जो कि मजबूत भी बन सकती है अथवा 3 तिगड़ा काम बिगड़ा जैसी परिस्थिति भी राज्य पर आ सकती है। राज्य के मुख्यमंत्री इस सरकार को मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मी कार्यकर्त्याची बैठक लावली आहे, उद्या आमचा एक पारधी समाजाचा मेळावा पण आहे, त्याच्यानं काल आमची एक मीटिंग फिनले मिलच्या संदर्भात होतो, मुंबईला गेलो होतो, तर मुंबईत राहून मंत्रीपद भेटते असं थोडं असतं काही, तिथं थांबलं मग घेरा टाकला हा काही पूजा पाठीचा थोडा विषय असतो। मला वाटतं सध्या तर काही नाही आहे, खाते वाटप असेल इतर सगळ्या गोष्टी नाही, काही लहान आता 3 इंजनचं सरकार आहे, ते मजबूत पण होऊ शकतं आणि 3 तिगाडा म्हणून बैकू पण शकतं, म्हणून जेवढं मजबूत होईल तेवढं मजबूत करण्याचा प्रयत्न शिंदे साहेब करेल। एकंदरीत चित्र असं आहे का खातेवाटपावर काही गोष्टी किंतूपर्यंत असू शकते, प्रत्येकाला असं वाटतं का अजितदादाकडे वित्त खातं नाही गेलं पाहिजे, कारण मागच्या वेळेस त्यांनी तशा प्रकारचा जो कारनामा केला तर ते यावेळेस झाला नाही पाहिजे अशी अपेक्षा आहे, भीती आहे आमदारांना। बैठक चालणारच आहे ना, मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री बैठक नाही घ्यावं तर मग काय, जेवण करून झोपायचं थोडं असते, बैठकही घ्यावं लागतं, राज्य चालवावं लागतं।